अस्सलामुअलैकुम, आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं लुकमान अली। सबसे पहले वक्त हेडलाइंस। नवाज शरीफ का लंदन में टीपी मुआयना, दिल और ब्लड के मुख्तलिफ टेस्ट करवाए। क्या नवाज जरदारी मुलाकात होने वाली है? साबिक सदर ने रहमान मलिक को फौरी तौर पर लंदन तलब कर लिया। सेनेट इजलास में पानामा लीक पर बहस, पाकिस्तान के 143 सियासतदानों समेत 220 अफराद के नाम शामिल हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद ने तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने की तजवीज पेश कर दी। शाह महमूद कुरैशी की आफ्ताब शेरपाओ से मुलाकात, धरने में शिरकत की दावत। रहनुमा पीटीआई कहते हैं जमहूरियत डीरेल नहीं करना चाहते, हुकूमती नुमाइंदों ने राब्ता किया तो अपना मौकिफ पेश करेंगे। आफ्ताब शेरपाओ बोले कौम पनामा लीक्स का जल्द हल चाहती है। छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन का फाइनल राउंड, यरगमाल अहलकारों को मुजाकरात से रिहा कराया जाए। अहले खाना का एहतजाज, वजीर कानून राणा सनावला कहते हैं छोटू गैंग को भागने नहीं देंगे, 48 घंटों में सफाया कर देंगे। डाकुओं ने पुलिस अहलकारों को एक साइड से ट्रिप किया। कादिर पटेल से दूसरे रोज भी रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में तफ्तीश, रहनुमा पीपल्स पार्टी से उजैर बलोच और डॉक्टर आसिम केस से मुतल्लिक पूछताछ। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा का 60 दिन में इंतखाब कराने का हुक्म। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मुस्तरद, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। आलमी बरादरी दहशतगर्दी की वजूहात पर तवज्जो दे, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे है। आलमी बरादरी पाकिस्तानी कुर्बानियों का एहतराम करें, मलीहा लोधी का सलामती काउंसिल में मुबाहसे से खिताब। जापान में 6.2 शिद्दत के जलजिले ने तबाही मचा दी, 9 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, इमारतें लर्ज उठी, कई जमीन बोस, बिजली का निजाम दरहम बरहम, इमदादी कार्रवाइयां जारी, हजारों शहरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल। और मॉडल अयान अली आज रात बाहर जाना चाहती हैं, नाम ईसीएल से निकाला जाए। डॉलर गर्ल ने वजारत दाखिला को खत लिख डाला, तोहीन अदालत की वार्निंग।